आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी लूट की घटना को होने से बचाया है। कंकड़बाग से एक बड़ी लूट की घटना की प्लानिंग अपराधियों ने कर रखी थी। इस घटना की सूचना मिलते ही पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने जाल बिछाया और 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी रोहित कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी वैशाली जिले के सुभई टोलर का निवासी है। इसके साथ ही एसटीएफ ने रोहित कुमार के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों से 2 देशी हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये लूट की प्लानिंग उसी कंपनी के कर्मचारी ने साजिश रची थी, लेकिन एसटीएफ और पटना पुलिस और हाजीपुर पुलिस के सहयोग से इन सभी अपराधियों को पकड़ा गया। इन 5 अपराधियों के नाम शानू कुमार, अंकित कुमार, अभिषेक कुमार, दीपक कुमार, राहुल कुमार बताया जा रहा है। ये जानकारी एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने दी। लगभग 1 दर्जन से ऊपर जगहों पर एनटीसीए और एनटीएनआरसी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और दिल्ली में जो घटना घटी उसके बाद से संवेदनशीलता बढ़ गई है। उन जगहों पर हम लोग अलग से डिप्लॉयमेंट का प्लान कर रहे हैं। हम लोग को एक कंपनी रैप भी मुहैया कराई गई है राज्य मुख्यालय द्वारा, और उसके बाद उसको हम लोग कैंप कराएंगे। सेंसिटिव एरिया में फुलवारी है, वहां कैंप करेगा वो, और हम लोग उसके माध्यम से सिटी एरिया में फुलवारी में 9 तारीख को फ्लैग मार्च भी करेंगे। और ऐसे हर अनुमंडल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में डीएसपी के अधीन बल मुहैया करें, और इसमें 9 तारीख की रात्रि से ही हम लोग को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तैयारियां हम लोगों ने की हैं और थाना अध्यक्षों को ब्रीफिंग भी दी है। शराब के खिलाफ हम लोग इसमें अभियान भी चला रहे हैं। सभी थाना अध्यक्ष को कहा गया है कि जो होली मिलन समारोह वगैरह हो रहे हैं उसके तो कहीं निगाह रखनी, हो सकता है कि उसमें किस तरह का मिसचीफ हो, क्योंकि ये प्रोहिबिशन का कानून यहाँ लागू है इस राज्य में। एनआरसी को लेकर जो विरोध वगैरह चल रहा है सब्जी बाग में, उसे रोका भी जाएगा होली? नहीं, कोई रोक नहीं है। हम लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया है। बहुत जगह पे ऐसा फीडबैक है कि वो लोग सहयोगवश शायद हटा भी लें, और नहीं भी हटाएंगे अगर, तो हम लोग उसका सुरक्षा अपने हिसाब से करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी उतने पर्याप्त बल का वहां पे तैनात किया जाएगा। कि कल शाम में ही प्लानिंग हुआ, जो कि हमको नहीं लगता है, क्योंकि रोहित है जो वो उसका आपराधिक बैकग्राउंड है, ऐसा हम लोग को पता चल रहा है कि मुथूट फाइनेंस में जो लूट हुई थी उसके उन अपराधियों के संपर्क में ये अपराधी रहा हुआ है, जो तरह से इनपुट आ रहा है। हाजीपुर तो राहुल का चूंकि साला है रोहित कुमार, इसने उसे संपर्क बनाया था, और इन लोगों का अंदाजा था कि वहां लगभग 10 लाख से ऊपर कैश होगा, और ये घटनाक्रम है। फर्स्ट क्राइम से भी इसका कोई नहीं, वो हम लोग खंगाल रहे हैं। पत्रकार नगर में इसी तरह की लूट हुई थी इसके पहले जनवरी महीने में, 13 जनवरी को शायद लगभग, मुझे जो डेट याद है, और फर्स्ट क्राइम में इन लोग का हम लोग संयुक्त खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी उजागर नहीं हो पाया है, उसमें चूंकि फुटेज क्लियर नहीं था तो हम लोग उसको मिलान नहीं करा पा रहे हैं, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता तो गोली भी मारने का ऐसा कुछ प्लानिंग था? घटना कैसे घटती है वो तो घटना होने के बाद पता चलता है।